हेलो गाइस, ये आपकी वीडियो में मेरा स्वागत है। और पिछली वीडियो में मैं जो है अपने घर से खो गया था और मैं बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े के साथ यहाँ पर को आया हूँ। पर ये और मेरा भाई तो बहुत बोल रहा है और इसको मैं थोड़ी देर चुप कराता हूँ। गाइस, मैंने इसको चुप करा दिया है। अब शाम होने वाली है सबसे पहले तो, और मुझको वहाँ पे को एक सैंड टेम्पल दिखा था जब मैं आ रहा था, तो फिर मैं आज उस में भी जाऊंगा। आज पता नहीं मुझको करना क्या है। अरे यार, रात जल्दी हो तो गई है, रात सोने दो। अबे लोग तो दिन में भी सो जाते हैं, तुम रात को ही नहीं सोने दे रहे हो। अब हम जाएंगे उस सेंट टेम्पल में अपने गोलू के साथ। गोलू आया, वो उधर पे को था ना। चल गोलू, मैं वैसे अपना पहले सामान खाली करके आता हूँ। बहुत सारा सामान मुझको इसमें रखना होगा, वरना अगर मैं वहाँ पर को मरा तो फिर काम तमाम हो जाएगा इस सारे सामान का। अगर वहाँ पर को TNT से मैं फूटा तो मुझको टॉर्चेस भी ले जाने होंगे वहाँ पर। बहुत सारा सामान छोड़ना होगा, तो फिर जब हम सामान छोड़ देंगे तब मिलते हैं। तो गाइज, हमने सामान खाली कर लिया है और अब हम चलते हैं वहाँ पर को। गोलू इधर आ, पहले शील्ड यार उतार नहीं सकता अभी। कोई बात नहीं, चलो उधर पे कोई इंसान है वो। हाँ, वहां पर को हल्का से दिख रहा है। ओह शिट, मैं अपने गोलू को बांधने के लिए फेंस लाना भूल गया। वो है वो सैंड टेम्पल। मैं यहाँ से आ रहा था तभी मुझको मिला था। तो फिर इस गोलू का कहाँ बांधूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अभी फेंसेस वेंसेस क्राफ्ट कर सकता हूँ क्या? पहले क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास है, और हाँ मैं फेंसेस बना सकता हूँ। चलो गोलू, तू अब यहीं रहना। और अब हम चलते हैं सैंड टेम्पल के अंदर। यहाँ पर को अंदर जाने का कहाँ से रास्ता? मैं तो खाने के लिए भी सामान नहीं लाया। मशरूम से कुछ होता तो नहीं है? नहीं, तो मैं इसको खा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर अब देखते हैं अंदर चल के क्या होता है। नीचे कोई मॉब स्पॉन ना हो। ज़्यादा उजाला करता हूँ वरना मुझको बहुत डर लगता है। एक और सैडल, इसमें वैसे कुछ सामान है नहीं। रोटिन फ्लेश भी ले लेता हूँ, अभी मेरे खाने के काम आएगा। और स्ट्रिंग्स भी ले लेता हूँ मुझको, क्योंकि बो और फिशिंग रॉड बनानी है। और गन पाउडर भी ले लेता हूँ। और अभी आ लीजिए इसमें, या लीजिए इसमें डायमंड और आर्मर भी। चलो अच्छा है, मैं हड्डियाँ भी ले लेता हूँ, कभी डॉगी को पेट बनाने के काम आएगी। ये भी ले ली मैंने। और अब इस चेस्ट में गया है,
चेस्ट में भी अच्छी लूट है। मेरे पास बहुत सारे हॉर्स आर्मर आ चुके हैं, सैडल भी बहुत सारी। इसमें अब कुछ अच्छा नहीं है तो हम ऊपर चलते हैं। हमें शायद चेस्ट में नहीं देखा, गाइस तो हम ऊपर को चलते हैं। जी अब हम ऊपर को पहुंचने वाले हैं। मुझको जल्दी से घर जाना होगा इससे पहले रात हो, क्योंकि मेरे रात को मेरे साथ बहुत अनर्थ हो जाता है। अरे ऊपर क्यों जा पा रहा, अबे चल ले वहाँ से, भी जा सकता वहाँ से चलता हूँ। मैं पहले रोटेन फ्लेश खा लेता हूँ। अब कहाँ को कूदूँ, इसको तोड़ूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं, चलो पहुँच गया। गोलू चलो घर चलो, अब हम घर चलते हैं। गोलू गई रस्सी निकली, अब हम चलते हैं अपने गोलू के साथ घर को। इस वीडियो में हमको बहुत माइनिंग करनी है क्योंकि हमारे पास काफी कम सोर्सेज हैं। फिर अब हम पहुंच चुके हैं घर में, अब गोलू को मैं बात देता हूँ। गोलू को हमने बात दिया, अब हमको जाना है माइनिंग करने। और इसके लिए हम सबसे पहले तो ज़रूरी सामान फिर से चेस्ट में रख देते हैं। ये पिकैक्स भी रख देता हूँ, और मैं आयरन वाली पिकैक्स लेके चलता हूँ। टॉर्चेस भी मुझको क्राफ्ट करनी होगी। अरे हाँ मैंने इसमें आयरन स्मेल कर दिया, वो हो चुका है। अब मैं इसमें कोल से अब टॉर्चेस बनाऊँगा। मेरे पास एक ही स्टिक है, पहले तो मैं स्टिक्स क्राफ्ट करता हूँ। ये पता नहीं ऊपर से कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। स्टिक्स का स्टिक्स मुझको क्राफ्ट टॉर्चेस, हमने टॉर्चेस भी क्राफ्ट कर दिया। और हमको बिल्डिंग मटेरियल्स भी ले जाने होंगे। इसमें है क्या कुछ, इसमें ये सैंड ले जाता हूँ, ऊपर चढ़ने के काम आएगी। और कुछ नहीं है, इस आयरन को भी रख देते हैं हम। और अपने लिए आयरन का एक आर्मर बना देते हैं। मेरे पास हेलमेट तो था, वो कहाँ गया, मेरा हेलमेट कहाँ, मैंने पहना है क्या, मैंने पहना है तो नहीं है वो शायद से। मेरा आर्मर हेलमेट कहाँ गया, कहाँ है मेरा हेलमेट, ये है मेरा हेलमेट। अरे इसी में अब मैं थोड़ा सा और क्राफ्ट कर लेता हूँ आयरन का सामान। चेस्ट प्लेट तो हम नहीं कर सकते हैं अभी, आयरन बूट्स कर लेते हैं। स्वॉर्ड भी हमारे पास है और
वो भी क्राफ्ट कर देते हैं। एरो कैसे क्राफ्ट करते थे? ओह हाँ, हमको चाहिए होता है फ्लिंट स्टिक और फेदर। तो फिर अब हम चलते हैं अपने ये छोटा सा आर्मर पहन के। ज़्यादा तो है नहीं है, अरे मैंने फेंक दिया उसको। आ गया क्या वापस? आ गया। चलिए अब हम तैयार हैं जाने के लिए माइनिंग करने के लिए। अभी तो रात हो चुकी है, तो ऐसा करता हूँ जब सुबह हो जाएगी तब चलूँगा। तो फिर सीधे मिलते हैं जब होती है सुबह। गाइस सुबह हो चुकी है, अब हम निकल पड़े हैं माइनिंग के लिए। कहाँ जाऊँ? हाँ वाली गुफा में चलता हूँ जो मुझको वो गहरी से मिली थी, वहाँ पर को सैंड टेम्पल के वहाँ पर को मिली थी जो। वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं मुझको। यह है वो गुफा, इसमें ऊपर मुझको सबसे पहले तो देखना होगा मैं जाऊँगा कैसे यहाँ पर। सैंड तो ऐसे नहीं लगेगी, तो मैं सैंड स्टोन क्राफ्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ सैंड स्टोन क्राफ्ट कर देता हूँ काफ़ी ज़्यादा, जिससे मैं जा सकूँ वहाँ पर। सबसे पहले तो वहाँ को चलते हैं, वहाँ पर को आयरन हो रहे। नहीं ऐसा करता हूँ। ओह नहीं गाइस, तो हम गलती से मर चुके हैं और मेरा कोई भी सामान वैसे लावा में नहीं गया। तो फिर अब मुझको वहाँ जल्दी से जाना होगा। वाटर बकेट, मेरे पास तो बकेट थी ना। बकेट बकेट कहाँ गई वो? बकेट ही है, हाँ ये है बकेट। अब मैं पानी से नीचे जाऊँगा। सबसे पहले पानी ले जाता हूँ, वहाँ जल्दी से जाना होगा मुझको। वहाँ पर उसको फार्मर, मुझको आपका पानी लेना है। मैंने पानी ले लिया इसका। अब हमको नीचे जाना है, वहाँ पर को माइनक्राफ्ट गेम ही ऐसी है, इसमें हमको सामान तो गंवाना ही पड़ता है। यह है वो गुफा और वहाँ पर है मेरा सामान। यहाँ से जाता हूँ। जल्दी चलो, हम नीचे पहुंच चुके हैं। अच्छा वो मेरा कोई भी सामान लावा में गिरा क्या कोई? वैसे हाँ, यहाँ से लावा। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर घूम। नहीं पानी में चलो, पानी में चल। अब मुझको यहाँ पर को थोड़ी सी माइनिंग करनी है, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वही तो सैंड लगा रहा हूँ मैं। पर को मेरा थोड़ा सा और सामान है। सबसे पहले हम इस लावा को यहाँ से ढकते हैं। ये ढक चुका है। अभी रात होते ही हम निकल जाएंगे यहाँ पर। को कुछ और नहीं है क्या? मुझको सबसे पहले बहुत सारा कॉबल स्टोन इकट्ठा करना होगा ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूँ। नहीं वैसे पानी के रास्ते भी चढ़ सकता हूँ। हाँ
बहुत सारा कोबलस्टोन माइन करता हूँ मैं तब तक का। मेरे पास आयरन और कितना आया है, 6 आयरन और। मुझको इससे पूरा अपना आयरन वो आर्मर क्राफ्ट करना है। वहाँ पर थोड़ा सा और आयरन है, वहाँ पर जाता हूँ। वहां पर को भी है थोड़ा सा आयरन। हमको यहाँ से काफी सारा आयरन मिल चुका है। पता नहीं इस वीडियो का टाइटल क्या रखूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास 13 आयरन और आ चुके हैं। थोड़ा सा और कोल यहाँ से तोड़ लेता हूँ। वहाँ पर को भी आयरन है, यहाँ पर को बहुत सारा आयरन और बड़ा हुआ है। तो फिर अब हम वहाँ को चलते हैं। अब हम यहाँ पर को चलते हैं और आयरन तोड़ते हैं। हमने यहाँ से और आयरन तोड़ दिया है। चलिए अब फिर हम ऊपर चलते हैं और घर में चलते ही इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। कितना आयरन आया, 20 आयरन और आ गया हमारे पास, आयरन आ गया है। अब हम ऊपर को चलते हैं, जल्दी से चल लूँगा वरना ये मेरे बुलबुले ख़त्म हो जाएंगे। हम ऊपर पहुँच चुके हैं। इस माइनिंग में मुझको काफ़ी सारी लूट मिली है। तो अब हम अपने घर को चलते हैं। और मैंने अभी तक का अपना वो जो मैं कह रहा था टॉप फ्लोर बनाना है, वो अभी तक का नहीं बनाया है। मतलब ये टॉप तो नहीं होगा, इसके ऊपर भी मैं थोड़े से और फ्लोर बनाऊंगा। अब हम घर को चलते हैं। इस लामा का नाम क्या रखूँ, अगली वीडियो में सोच लूँगा। मेरे गोलू का नाम तो मैंने वैसे ही रख लिया था जैसे ही मुझको मिला था। अब मैं आयरन को स्मेल्ट कर देता हूँ। इससे मैं शायद से पूरा आर्मर बना सकता हूँ आयरन का अपने लिए। मेरे पास 2 आयरन इंगट्स ऑलरेडी हैं। और ये क्या है, प्रेशर प्लेट, ये कहाँ से आए मेरे पास, मैंने क्राफ्ट तो नहीं किए थे। तो हम थोड़ा सा अभी ऊपर वाला फ्लोर देखते हैं कैसे कितना बनेगा। थोड़े से कोबलस्टोन आई थिंक नीचे भी हैं चेस्ट में, देखता हूँ एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ है नहीं है, है क्या, नहीं है। ये कौन सी है, शार्पनेस 1 और पावर 1। एक बार मुझको एनविल चाहिए होगा उसके लिए, थोड़ी सी और माइनिंग नहीं हुई। मैं अपनी पिकैक्स को भी देता हूँ चेस्ट में, ये बहुत काम की पिकैक्स है। क्योंकि अब हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये हमारा कोबलस्टोन।
यहाँ पर को नहीं, यहाँ से स्पाइडर तो आराम से चढ़ जाएगी। मॉब्स तो यहाँ पर आ ही जाएंगे क्योंकि ऊपर भी मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कोई स्पाइडर नहीं आ पाएगी। मुझको लग रहा है और शाम भी आने लगती है, तो फिर हम आयरन इंगट्स कितने स्मेल्ट हुए, 12 हुए हैं अभी तो। अभी कितने बचे हैं, अभी तो बहुत बचे हैं। तब तक काम क्या करें, हम सो जाते हैं। मैं अब सीधे मिलता हूँ जब ये आयरन स्मेल्ट हो जाए। गाइज मेरे आयरन और नहीं आयरन इंगट स्मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको नहीं मतलब इनसे अब मैं आर्मर बनाऊंगा। मेरे पास बूट्स, अब इनसे मैं पूरा कवर हो जाऊंगा आयरन से। एनविल के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एनविल का एनविल, एनविल के लिए तो अभी मुझको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो फिर अब मैं एनविल वैसे किसी विलेजर के घर में होगा क्या, देखूंगा। तो अब मैं अपना पूरा आर्मर पहन लेता हूँ। ये है और यस मैं पूरा कवर हो चुका हूँ आयरन से। अब देखता हूँ मैं लग कैसे रहा हूँ। तो गाइज मैं आयरन से कवर हो चुका हूँ, इसमें बहुत सारा आयरन लगा। तो फिर गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।